शुशांत जैसे बहुत कम इंसान है। आज हम एक ऐसे जीनियस के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने सपनों को पूरा ही नहीं किया बल्कि दुनिया में एक मिसाल भी बनाई। उनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत के 50 ड्रीम्स थे। अगर आप उन 50 ड्रीम्स को पढ़ेंगे जाके तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी बॉडी में एक झनझनाहट पैदा हो जाएगी कि एक इंसान ऐसे कैसे ड्रीम बना सकता है जिनके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते। वो सुशांत सिंह राजपूत के ड्रीम्स थे। जो इम्पॉसिबल चीजें थी वो सुशांत सिंह राजपूत के ड्रीम्स थे। सुशांत सिंह राजपूत को वो करना पसंद था जो इम्पॉसिबल होता था। मैं उनके कुछ ड्रीम्स के बारे में आपके सामने बात करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जिंदगी में आपको अपने बिलीफ सिस्टम और ड्रीम सिस्टम के तहत अपनी मंजिल और बाकी सब चीजों के लिए शिद्दत से काम कैसे करना है। सुशांत सिंह राजपूत का पहला सपना था प्लेन उड़ाना सीखना और उनका दूसरा सपना था लेफ्ट हैंड से बैटिंग करना, क्रिकेट खेलना। राइट हैंड से तो वो खेलते ही थे लेकिन वो लेफ्ट हैंड से उसी तरीके से खेलना चाहते थे क्योंकि वो हमेशा चैलेंजेस में बिलीव करते थे। और उनका तीसरा सपना था टेनिस चैंपियन मैच, मतलब वो टेनिस चैंपियन के साथ मैच खेलना चाहते थे। और उनका चौथा सपना था कि वो 100 बच्चों को नासा और इसरो में वर्कशॉप के लिए भेजना चाहते थे। उन्होंने ये सपना पूरा भी किया। और उनका पांचवा सपना था कैलाश पर्वत पर मेडिटेशन करना। उनका छठा सपना था नासा की एक और वर्कशॉप करना। और उनका सातवां सपना था डिज्नीलैंड जाना, जहां वो गए भी। ये वीडियो आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे डिज्नीलैंड का। और उनका एक और सपना इंडियन डिफेंस फोर्स के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनकी मदद करना, ये भी सुशांत सिंह राजपूत का सपना था। और उनका एक और आखिरी सपना मैं बताता हूँ, वो 1000 पेड़ लगाना चाहते थे। ऐसे उनके 50 सपने जिनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उनके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो जरूर आप, मैं खुद चाहता हूं कि आप उनके सपनों के बारे में जरूर पढ़ें जाके कि उनके 50 सपने क्या हैं। सुशांत सिंह राजपूत वो इंसान थे जो नेगेटिविटी में कभी बिलीव ही नहीं करते थे। वो हमेशा बिलीव सिस्टम और ड्रीम सिस्टम के तहत हमेशा काम करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के ड्रीम्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूं। क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने वो 50 ड्रीम्स पढ़े जो अपने ड्रीम्स को लिखता था और लिखकर उन्हें फुलफिल करने की पूरी ताकत और पूरी शिद्दत करता था। सुशांत सिंह राजपूत बहुत मेहनत करते थे। वो हमेशा अपने ड्रीम्स में विश्वास रखते थे, वो बिलीव सिस्टम में विश्वास रखते थे और वो लोगों की मदद करने में विश्वास रखते थे। उनकी स्टोरी और उनकी बायोग्राफी के बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं या फिर आप आई बटन में भी देख सकते हैं। मैं आज बात करूंगा सिर्फ उनके ड्रीम्स के बारे में क्योंकि आज दुनिया में जो लोग भी अपने सपने पूरे करते हैं तो वो सपने कैसे पूरे करते हैं जब उनको अपने बिलीफ सिस्टम पे विश्वास करते हैं। मैं बार बार एक ही चीज की बात कर रहा हूँ, बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम से ही दुनिया चल रही है और ये बिलीफ सिस्टम से आपकी जिंदगी चल रही है और यही बिलीफ सिस्टम से आपके रिलेशंस चल रहे हैं, यही बिलीफ सिस्टम से सब कुछ चल रहा है। तो आपकी जिंदगी और आपके सपने के बीच ये बिलीफ सिस्टम क्यों नहीं है, ये सवाल आपके लिए है। आप अपने आप से पूछिए कि वो बिलीफ सिस्टम आपकी जिंदगी में क्यों नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास बिलीफ सिस्टम नहीं होगा आप अपने ड्रीम्स को नहीं पा सकते हैं। और आपको अपने ड्रीम्स को पाने के लिए अपने बिलीफ सिस्टम को बहुत मजबूत बनाना होगा क्योंकि ये वही रोड है जो आपकी डेस्टिनेशन को तय करता है, आपकी मजबूती के साथ आपको आगे बढ़ाता है। जैसा कि एक हाईवे पे हम जब चलते हैं, जब हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है तो हम किसी हाईवे का सहारा लेते हैं। तो हमें जब अपने ड्रीम्स तक पहुंचना है वो हाईवे, वो रोड जो है वो बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। आज सुशांत सिंह राजपूत जो भी हैं या जो भी थे वो सिर्फ और सिर्फ बिलीफ सिस्टम पे थे क्योंकि वो उसी चीज पे विश्वास करते थे। इसलिए अपने आप पर विश्वास करिए और सुशांत सिंह राजपूत की वो 50 ड्रीम्स जरूर पढ़िए जाके, जरूर आप मोटिवेट होंगे और आपको अंदर से एक महसूस होगा कि नहीं यार, मुझे जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है और कुछ आगे बढ़ना है। नेगेटिव चीजों में मत पढ़ो, नेगेटिव थॉट्स में मत पढ़ो, लोगों के बातों में मत आओ कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तुमसे हो ही नहीं, मत पढ़ो इन सब चीजों में। सिर्फ एक बेड़ा उठाओ और निकल पड़ो उस हाईवे पर, बिलीफ सिस्टम के हाईवे पर, और अपनी मंजिल तक पहुंचो। वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ फिर मैं आपको एक नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, अंकमणि ब्रदर्स।